देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये एक ग्रेविटी फ्री हॉल है, इधर ग्रेविटी नहीं है। अभी इसके ऊपर एक ट्रे रखा था और उसके ऊपर एक क्यूबिकल आइस ब्लॉक रखा था, ऐसा क्यूबिकल आइस ब्लॉक। ये ट्रे का मास है कैपिटल एम और ये आइस ब्लॉक का साइड लेंथ है। अभी इस ग्रेविटी फ्री हॉल में ये ऐसे इक्विलिब्रियम में रहेगा क्योंकि उसका वेट नहीं पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि जी नहीं है इसलिए उसका ग्रेविटेशनल फोर्स आइस का यानी कि जीरो पड़ेगा। जी जीरो है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा। और इधर आइस जो ट्रे का भी वेट नहीं पड़ रहा है उसका भी वेट जीरो पड़ेगा। तो इसके ऊपर अभी जब आइस के ऊपर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स यानी कि वर्टिकल फोर्स नहीं पड़ रहा है, यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ेगा तो आइस धीरे धीरे मेल्ट करेगा तो भी फोर्स नहीं पड़ रहा है इसीलिए यह सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा यानी कि वो उसका मूवमेंट नहीं होगा। सिस्टम का सेंटर मास वहीं रहेगा जहाँ पर था, ये बीच में था वहाँ पर सेंटर मास रहेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होगा, सेंटर मास कुछ मूव नहीं करेगा। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो, दिस इज द आंसर। तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर मास विल बी जीरो क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ रहा है। और एक बात, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखेंगे तो ये धीरे धीरे जो मेल्ट करेगा, मेल्ट करके ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, पानी नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं आगे में पढ़ेंगे कि लिक्विड का एक प्रॉपर्टी होता है ड्यू सरफेस टेंशन, लिक्विड मिनिमम एरिया में वो रहने के लिए कोशिश करेगा। तो ये जो मेल्ट कर जाएगा वो ऐसे एक स्पेरिकल सरफेस, ऐसे एक स्पीयर जैसा बन जाएगा और उसका भी सेंटर मास वहीं रहेगा यानी कि बीच में रहेगा। तो पहले सेंटर मास भी बीच में था, फाइनल भी यहीं पर है, बीच में है, तो सेंटर मास का कुछ मूवमेंट नहीं होगा यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर मास हो जाएगा जीरो। ठीक है।